वेलकम गाइस, आई एम नीरज गुप्ता फ्रॉम नेटवर्क हब। आज मैं आपको वीडियो ट्यूटोरियल में क्रॉसओवर केबल बनाने सिखाऊंगा। लास्ट टाइम जैसे कि आपने देखा था, मैंने आपको स्ट्रेट थ्रू केबल बनानी सिखाई थी। वही केबल अगेन हम यूज़ करेंगे इस एक्टिविटी में। सबसे पहले चेक करते हैं कि जो हम स्ट्रेट केबल यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए अगेन आई विल बी यूजिंग लाइन टेस्टर, केबल टेस्टर, जो कि चेक करता है केबल जो हमने बनाई है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए मैं इसमें दोनों तरफ जैक लगा देता हूँ और देखते हैं अपने वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे लाइट्स एक साथ ब्लिंक हो रहे हैं। दैट मीन्स ये केबल, स्ट्रेट केबल प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब मैं इसी केबल का यूज़ करूँगा क्रॉस ओवर केबल बनाने में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसमें देखते हैं कि अपने ने कलर कोडिंग कौन सी यूज़ की है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मैंने ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन, ब्राउन वाइट कलर कोडिंग यूज़ की है। देख सकते हैं आप दोनों साइड पर, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर क्रॉस ओवर केबल बनाना है तो मेरे को एक साइड टाइप T568A और एक साइड T568B कलर की कोडिंग यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने देखा दोनों तरफ अभी हमने T568B की कोडिंग हुई भी है। मैं एक साइड से चेक को कट कर देता हूँ। एक साइड से जैक को कट कर दिया है और मैं इस साइड कलर कोडिंग चेंज कर देता हूँ T568A। तो जब भी हम वायर का अपर पोर्शन रिमूव करते हैं तो उसको लगभग 1 इंच का गैप रहना चाहिए। केबलिंग ऑलमोस्ट सेम होती है स्ट्रेट केबल के जैसे, बस इसमें हमारे को जो वायरिंग का ऑर्डर है वो चेंज करना होता है। दैट्स इट। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी अंदर कल की तरह प्लास्टिक कवर है जो कि इंटरफेरेंस को रोकने के लिए यूज़ होता है। अगेन इसके अंदर 4 कलर के कलर पेयर्स हैं, ऑरेंज, ऑरेंज वाइट, ग्रीन, ग्रीन वाइट, ब्राउन, ब्राउन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट। हम इन वायर्स को अलग कर देते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज वाइट अलग हो गया है, ग्रीन, ग्रीन वाइट को अलग कर देते हैं, ब्राउन, ब्राउन वाइट को अलग कर देते हैं और ब्लू, ब्लू वाइट को अलग कर देते हैं। अब देखते हैं कलर कोडिंग T568A में। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले कलर कोडिंग में यूज़ होता है ग्रीन वाइट, देन हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीन, देन हम यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज वाइट, देन हम यूज़ कर रहे हैं ब्लू, देन वी आर यूजिंग ब्लू वाइट, देन वी आर यूजिंग ऑरेंज, देन वी आर यूजिंग ब्राउन एंड इन लास्ट वी विल बी यूजिंग ब्राउन वाइट। जैसे आप देख सकते हैं हमने ये सब वायर्स को एक साथ कर लिया है। इनको आप अच्छे से स्ट्रेच कर लें जिससे कि ये एक साथ रहें। इसके लिए आप चाहें तो पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इन वायर्स को सबको एक साथ रख के स्ट्रेट कर दिया है। अब इसके बाद अगेन हमने जैसा स्ट्रेट केबल में किया था, हमें इनको एक ही लाइन में, एक स्ट्रेट उसमें पाथ में कट करना होता है। तो मैं इनको कट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इनको कट किया एक ही स्ट्रेट उसमें। अब हम अगेन यूज़ करेंगे RJ जैक 45। जो मैं जैक यूज़ कर रहा हूँ ये डीलिंग का है। और डीलिंग के जैक की कॉस्ट अराउंड 11 to 13 रुपीज़ की होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर वायर्स को लगा दिया है और कलर कोडिंग हमने लिए ग्रीन वाइट, ग्रीन, ऑरेंज वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ऑरेंज, ब्राउन वाइट, ब्राउन, ब्राउन वाइट। कलर कोडिंग होता क्या है कि जब क्रॉसओवर केबल और हम यूज़ करते हैं तो एक मशीन से दूसरी मशीन में जब पिन चेंजेस होता है वो होता है, फर्स्ट पिन चली जाती है थर्ड पे, सेकंड पिन चली जाती है सिक्स पे, थर्ड पिन चली जाती है फर्स्ट पे एंड सिक्स पिन चली जाती है सेकेंड में। इसको आप कह सकते हैं कि ये ऐसा कनेक्शन होता है कुछ। और स्ट्रेट केबल को हम बोले तो स्ट्रेट।
डायरेक्टली जो पिन दोनों तरफ की सेम साइड ही यूज होती है। ऑलराइट, अब इसको मैं एक बार पंच कर देता हूँ। अगेन ध्यान रखिएगा, जब इसमें आप वायर डालें साइड में से एक बार क्रॉस चेक कर लें कि वायर्स एंड तक आ रही हैं या नहीं। सेकेंडली, ऊपर से आप देख सकते हैं कि वायर्स का कलर दिखता है हल्का हल्का, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि वायर एंड पे टच हो रहे हैं। अब इसको इस टूल में लगा के अपने एक बार पंच कर देते हैं। अच्छे से प्रेस करिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके तीन सारे वायर में पंच हो गए हैं। कंप्लीट हो गया यहाँ तक कि ये हमने पंच कर दिया। अपने इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। अगेन इसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइन टेस्टर का। एक साइड में जो पहले से बना हुआ एंड था एंड सेकेंड साइड में दूसरा एंड था। इसमें हमने किया क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास T568B के दोनों साइड थे, तो हमने एक तरफ से उसको कट करके उसकी कलर कोडिंग चेंज की T568A में, जिससे कि ये क्रॉसओवर केबल बन जाए। अब मैंने इसको इस टेस्टर में लगा दिया है और अपने चेक करते हैं कि ये केबल सही बनी है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो 1, 3, 2, 6 कलर कोडिंग अगर हम देखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। 1 पे थर्ड लाइट जल रही है सेकंड साइड का, 1 पे सेकंड पे 6, 3rd पे फर्स्ट एंड 6 पे सेकंड। सो ये क्रॉसओवर केबल बन गई है हमारी। दैट्स इट इन दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।